हेलो स्टूडेंट्स, इस स्टडी पॉइंट में मैं इसके चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। केमिस्ट्री में अपन पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के बारे में पढ़ रहे थे और आवर्त सारणी में अपन देख रहे थे तत्वों के जो गुण होते हैं उनमें आवर्तिता, तत्वों के गुणों में क्या पैटर्न पाए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। और आज जिस गुण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं वो है विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसके साथ साथ ही धात्विक और अधात्विक प्रकृति भी देखेंगे। यानी आवर्तिता का जो टॉपिक चल रहा था वो आज कंप्लीट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो में लास्ट में जितने भी गुण आपने पढ़े हैं उनको सबको मैं आपको एक साथ दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा। बस एक मिनट में ही जितने भी आपने अब तक जो गुण पढ़े हैं, आवर्तिता पढ़ी है, वो सारे एक ही साथ अपन उनको वापस रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले विद्युत ऋणता को स्टार्ट करते हैं। विद्युत ऋणता क्या होता है? जैसे आयन लेंथ की है, परमाणुओं की त्रिज्या है, उस तरह से विद्युत ऋणता वैसे कोई मापने योग्य गुण नहीं होता है। हालांकि तत्वों की विद्युत ऋणता अपन मापते हैं, लेकिन मापने का उनका कोई पैटर्न नहीं होता है, फिक्स मापने योग्य गुण नहीं है। देखो होती क्या है, दो परमाणु अगर किसी सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए, जैसे मान लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन, ये दो परमाणु किसी सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े हुए, सहसंयोजी बंध आप सभी जानते हो, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ये सहसंयोजी बंध बना रखा है। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, दूसरा है हाइड्रोजन, ये दो इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये दोनों परमाणु अपनी अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन ये कोशिश करता है कि इलेक्ट्रॉनों को मैं अपनी तरफ खींच लूं, और कार्बन ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ जाए, इलेक्ट्रॉनों को मैं अपनी तरफ आकर्षित कर लूं। और इन इलेक्ट्रॉनों को जो अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी होती है उसी को कहते हैं विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अर्थात सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की कैपेसिटी या क्षमता विद्युत ऋणता के लिए। ये तो है इसकी परिभाषा। आवर्त सारणी से भी देख लेते हैं कैसे कैसे बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे देखिए इस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आवर्त सारणी में अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो बाएं से दाएं जाने पर जो विद्युत ऋणता है इसके मान में वृद्धि होती है, ये अपनी लीजिए आवर्त सारणी। अगर आप जाएंगे बाएं से दाएं तो विद्युत ऋणता में होती है वृद्धि, बाएं से दाएं जाने पर वृद्धि होती है। वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर अपन जानते हैं कि परमाणु की साइज छोटी होती है, तो जो छोटे साइज का परमाणु होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कैपेसिटी ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजदीक है आपको, और बड़ी साइज का अगर परमाणु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन काफी दूर तक बिखरे हुए हैं, तो दूर से इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कैपेसिटी कम होगी। जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणुओं की साइज बढ़ेगी, तो साइज बढ़ने के साथ साथ जो विद्युत ऋणता है उसमें कमी हो जाएगी। बाएं से दाएं वृद्धि होगी, ऊपर से नीचे कमी होगी। जैसे देखिए दूसरे आवर्त की बात, ये दूसरे आवर्त के मतलब दूसरे आवर्त के तत्व लिखता हूं, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता, याद रखनी है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है, 4.0। आप सोच रहे होंगे कि क्लोरीन की कैसे हो गई सबसे ज्यादा, तो बाएं से दाएं जाने पर अगर बढ़ रही है तो नियोन की होनी चाहिए। लेकिन हम कोई भी गुण पढ़ते हैं, चाहे विद्युत ऋणता पढ़े या आप उनकी त्रिज्या के बारे में, आयन एंथैल्पी के बारे में कोई भी गुण पढ़े, तो जो वर्क संख्या 18 है ना, इसमें उत्कृष्ट कैसे इनको तो आप अलग ही रखिए। त्रिज्या की भी बात करेंगे तो 18 वर्ग की त्रिज्या बाकी सबकी तुलना में असामान्य रूप से बहुत ज्यादा होती है। आयनन एंथैल्पी का मान भी बहुत ज्यादा होता है असामान्य रूप से, 17वें वर्ग की तुलना में बहुत ज्यादा हाई होता है। तो 18वें वर्ग को अपन आवर्तिता के साथ में थोड़ा अलग रखें, तो सबसे ज्यादा विद्युतता क्लोरीन की होती है, क्लोरीन की विद्युतता 4.0 होती है। देखिए आप बाएं से दाएं देख सकते हैं,
4.0 होती है, ऑक्सीजन की होती है 3.5। देखिए ये जो तत्व है ना, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन, यहां लिख देता हूं, क्लोरीन की विभिन्नता 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 2.5, बोरोन की 2, बेरिलियम की 1.5, लिथियम की 1। आप देख सकते हैं बाएं से दाएं जाने पर लिथियम से लेकर के क्लोरीन तक विद्युतीयता में लगातार वृद्धि होती है, और ऊपर से नीचे आने पर होगी कमी, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनकी बात करें, क्लोरीन के बाद आएगा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। क्लोरीन की विद्युतीयता होगी 3.0, ब्रोमीन की विद्युतीयता होती है 2.8, आयोडीन की विद्युतीयता 2.5, लगातार विद्युतीयता में कमी होती जा रही है। तो विद्युतीयता आपको ध्यान में रखना है, एक तो ये ध्यान में रखना है सबसे ज्यादा विद्युतीयता क्लोरीन की होती है, दूसरा नंबर ऑक्सीजन का होता है। बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पर कम होता है। ये तो बात हो गई विद्युतीयता की। इसके साथ साथ ही मैं आपको धात्विक और अधात्विक गुणों को बता देता हूं आवर्त सारणी में, कि आवर्त सारणी में इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये अपनी आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से अगर दाएं आप जाते हैं तो अधात्विक लक्षणों यानी आप किसी आवर्त में जैसे पानी से दाएं जाओगे ना, तो शुरू में आपको धातु मिलेंगे और बाद में धीरे धीरे अधातु लक्षण बनने लगेंगे। चाहे आप किसी भी आवर्त में जाएं, जैसे अपन अभी दूसरे आवर्त की बात कर रहे थे, लिथियम, लिथियम से स्टार्ट कीजिए, लिथियम में पूरी तरह से धातु गुण है, और बोरोन कार्बन तक पहुंचते 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 अधातु गुण आ जाते हैं, आगे अधातु मिलेंगे आप। ठीक इसी तरह से अगले वर्ग में भी आप चाहे देख सकते हैं, तीसरे वर्ग में देख सकते हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम धातुएं, सिलिकॉन उप धातु आ गई, धातु गुण कम हो गए, धातु चालू हो गए, उप धातु आ गई, फास्फोरस आर्सेनिक, ये सॉरी आर्सेनिक के अलावा ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन धातु आ गई। यानी शुरू में आपको धातु मिलेंगे, जैसे जैसे आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाओगे ना, तो अधातु लक्षण बनने लगते हैं, लास्ट में आपको अधातु मिलेंगे, और ऊपर से नीचे की ओर जाने पर हमेशा धात्विक लक्षण बढ़ते हैं। अगर आप नीचे की ओर जाओगे तो धात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है। यह है आवर्त सारणी के धात्विक और अधात्विक लक्षण। अब अपन ने जितने भी गुण पढ़े उनको सबको देख के मैं एक साथ आपको दोबारा से याद करा देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा था परमाणविक त्रिज्या, परमाणविक त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर कम होती है, बाएं से दाएं जाएंगे तो त्रिज्या कम होगी, यानी त्रिज्या पीछे की ओर आने पर बढ़ेगी। जितने भी कोण हैं, कौन सी साइड पे कौन सा बढ़ता है उनके बारे में यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं। परमाणविक त्रिज्या आगे की तरफ जाने पर कम हो गया, पीछे आने से बढ़ेगी, ऊपर से नीचे की तरफ आने पर त्रिज्या में वृद्धि होती है। ये तो परमाणु त्रिज्या की बात। उसके बाद हमने दूसरा गुण पढ़ा था इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी। तो पहले आयनन एंथैल्पी को देखते हैं, बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है, आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आने पर कम होगी, यानी नीचे से ऊपर जाएंगे तब आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बाएं से दाएं जाने पर अधिक ऋणात्मक होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ज्यादा ऋणात्मक हुई थी, ऊपर से नीचे आने पर कम ऋणात्मक हुई थी, यानी नीचे से ऊपर जाएंगे तो ज्यादा ऋणात्मक होगी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इसको शॉर्ट में आप डेल ईटीएच के द्वारा शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आज हमने पढ़ा विद्युत ऋणता, बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणता बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पर कम होती है, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तब बढ़ेगी। ये लीजिए धात्विक गुण, बाएं से दाएं जाने पर अधातु गुण बढ़ते हैं, कौन से अधातु गुणों में वृद्धि होती है। तो बाएं से अगर आप उठाएंगे दाएं
नीचे से अगर आप ऊपर जाएंगे तो एन आर्बिटोन में वृद्धि होगी। ये थे अब तक अपन ने जो गुण पढ़े थे उनका सबको आप एक साथ दोबारा से रिवाइज करने के लिए यार मैंने बनाया यहाँ पर जितने भी गुण हैं आवर्त सारणी में कौन सा गुण बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे जाने पर क्या परिवर्तन होता है क्या प्रभाव पड़ता है बढ़ता है घटता है ये सारी चीजें आप शॉर्ट में एक साथ देख सकते। तो इसी के साथ में अपना आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होगा और आज का टॉपिक कंप्लीट होने के साथ ही जो भौतिक गुणधर्म अपने चल रहे थे उसमें आवर्तता भी कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो से अपन रासायनिक गुण स्टार्ट करने वाले।